उम्मीद विरासत में मिलती है, पैसों से भी खरीदी जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है वही नेताओं ने सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं, जिन्होंने अपने हिम्मत, अपनी मेहनत और अपने शोध के बल पर आगे बढ़े हैं। वह आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपने जज्बे के साथ आगे बढ़े हैं और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे उसके शिकंजे में रह के जेल तक गए हैं, ऐसे ही एक शख्सियत हैं, देहरादून के मेयर हैं पिछले लगभग 15 सालों से और धर्मपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी चुने गए हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ बहुत बार इनका जो तेवर होता है वह इन्हें उत्तराखंड की राजनीति का एंग्री यंग मैन राजनेता बना के फेस करता है। जी हाँ, फेस टू फेस में आज हम बात करेंगे मेयर विनोद चमोली से। चमोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस के विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। धन्यवाद। आप राज्य निर्माण आंदोलनकारी रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को आपने झेला, ऐसे राज्य में जहाँ तक मेरी जानकारी है एक ही दो व्यक्ति रहे जो उस समय राज्य निर्माण को लेकर के राष्ट्र का जैसे कानून का सामना किया, तो क्या आज का उत्तराखंड आपके सपनों का उत्तराखंड है? देखिए, मुझसे अगर आप आम उत्तराखंड से भी पूछेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि सपनों का उत्तराखंड पाना भी बाकी है। जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन हुआ था वो आज भी जीवंत है, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उसमें था उसका मुद्दा हो, जल जंगल जमीन के विषय हो, ये सारे विषय आज भी हमारे सामने मुद्दे खड़े हैं और इसका अपना समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वर्तमान के उत्तराखंड को अपने सपनों के उत्तराखंड के स्थान पर नहीं पाते हैं? जब आप उत्तराखंड राज्य बनाने के निर्माण आंदोलन में सक्रिय थे, उत्तरांचल निर्माण संघर्ष समिति के आप पदाधिकारी थे, उस समय आपने गैर शहर को राजधानी बनाने की भी बात बहुत जोर शोर से उठाई थी, आपसे मतलब है कि वो जो समिति थी, लेकिन आज आप तीसरी बार सत्ता में है और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, लेकिन गैर शहर आज भी हाशिए पे है। देखिए, गैर शहर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे की समीक्षा नहीं हो रही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। गैर शहर कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं रहा, नहीं गैर शहर कांग्रेस का विषय रहा, गैरसैंण यूकेडी का विषय था। और जिन परिस्थितियों में गैरसैंण को राजधानी बनाने का निर्णय लिया उसमें तो आंदोलन शुरू हो रहा था और तब ये भी पता नहीं था कि राज्य इतनी जल्दी बन जाएगा, इस राज्य का स्वरूप ये होगा। उस समय गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर काफी खींचतान अक्सर यहां रहा करती है आपस में, तो संभवतः यूकेडी के लोगों ने एक सर्वमान्य निर्णय लिया होगा कि भाई न गढ़वाल न कुमाऊं बीच का ऐसा स्थान देखा जाए जहां पर वे भी संतुष्ट है, वे भी संतुष्ट है, और गैरसैंण का निर्धारण हुआ। गैरसैंण के पीछे जो पृष्ठभूमि मैं बता रहा हूं, और उन्होंने गैरसैंण में जाकर वहां पर एक राजधानी के रूप में उसका शिलान्यास कर दिया। ये मुद्दा कहीं भी यूकेडी का मुद्दा रहा है। आज ये अलग बात है कि कांग्रेस उस पर काम किया हो, बीजेपी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुद्दा ये यूकेडी का रहा। और आज ये परिस्थितियां आप देखिए कि यूकेडी हास्य से बाहर हो गई, हादसे से बाहर हो गई उत्तराखंड की राजनीति में। तो गैरसैंण के मुद्दे को लेकर जो यूकेडी चली वो आज हादसे से बाहर है और वो मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा बनकर रह गया। तो ये गैरसैंण की पृष्ठभूमि है। गैरसैंण के पीछे जो आज भी लोगों की मानसिकता है, जो लोग चाहते हैं गैरसैंण राजधानी हो, वो विशेष सिर्फ गैरसैंण में राजधानी बनने का नहीं है, विशेष सिर्फ ये है कि पहाड़ का विकास हो। लोगों का मानना है कि गैरसैंण पहाड़ के विकास का एक प्रतीक है कि गैरसैंण में राजधानी होगी तो उम्मीद है कि पहाड़ों में विकास जाएगा, पहाड़ के बारे में चिंताएं होंगी क्योंकि पहाड़ में बैठकर बात हो रही होगी। कि गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर तमाम सालों से राजनीति हो रही है, कुछ कांग्रेस ने कर दी, कुछ किसी ने करी, कुछ किसी ने करी, तो आखिरकार इस मुद्दे का पटाक्षेप भी होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आपको गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी है तो बना देना चाहिए, आपको ग्रीष्मकाल बनानी तो बना देना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा जिस पर राजनीति हो रही है इसमें आप आगे किसी को राजनीति करने का मौका नहीं देना चाहिए, जो भी निर्णय इसको समाधान कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत हिम्मत के साथ, और गैर शहर की जो प्रासंगिकता है और जो व्यवहारिकता है आपने दोनों पक्ष रखा है, लेकिन यही हिम्मत आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि मेरी सरकार ही इसका समाधान निकालेगी। अब हम लोग गैर शहर में बैठे थे, अलग से भी हम विधानमंडल दल बैठा था, उसमें उन्होंने कुछ चीजें तय की है और निश्चित तौर पर गैर शहर पर जो अंतिम निर्णय लिया जाना है वो भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेणी सरकार लेगी, ये मेरा अटूट विश्वास है और मैं उसका हिस्सा हूं, इस बात की मुझे खुशी है। विनोद चमोली,
राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में कब जाएंगे और कब पहाड़ के जो विषय हैं, जो पलायन है, बेरोजगारी है, इन तरह की समस्याओं का समाधान करने में अपना योगदान देंगे? देखिए, मैं अपने संगठन पर बहुत आस्था रखता हूँ, बड़ा विश्वास है मुझे। लेकिन आपके कार्यकर्ता बहुत निराश, मेरी पार्टी मुझे निकाय से निकाल के विधानसभा तक ले गई है, तो निश्चित तौर पर मेरी क्षमताओं का उपयोग भी करेगी समय आने पर। अभी मेरे पास दोहरी जिम्मेदारी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो समय आएगा कि मेरी पार्टी मेरी क्षमताओं का उपयोग करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप निकाय और निगम की राजनीति में पिछले 22 साल से हैं, अब आपको एक मौका मिला है राज्य की राजनीति में अपना जौहर दिखाने का, अपना योगदान देने का, जिस तरह का आपकी पृष्ठभूमि है, तो सरकार और संगठन इन दोनों को आपको तुरंत मौका देना चाहिए, ऐसा आम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, आपकी बात मेरे संगठन में लोग भी सुन रहे होंगे, अब उस पर क्या करेंगे, उनके जो भी निर्णय होंगे उसका स्वागत ही कर सकता हूँ। निगम की राजनीति में आप पिछले लगभग 1.5 दशक से हैं, देहरादून नगर निगम देहरादून राज्य की एक तरह से अघोषित राजधानी भी है, लेकिन आज भी देहरादून मूलभूत सुविधा रहा है, जबकि आपकी सरकार निगम का क्षेत्र विस्तार कर रही है, जबकि शहर की स्थिति यह है कि अभी आधे शहर के हाउसेस को आप नंबर तक नहीं आवंटित कर सके हैं, उनका असेसमेंट तक नहीं कर सके हैं, इसका औचित्य क्या है? ऐसा है, देहरादून नगर निगम बना था 98 में जब मैं चेयरमैन था, 98 के बाद से लेकर 2008 तक मैं निगम की वर्किंग से बाहर रहा, 2008 में फिर मुझे मेयर के नाते काम करने को मिला, और अगर 2008 के पहले का देहरादून और 2008 के बाद के देहरादून में आप बात करेंगे तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लग के तैयार हो गया है, उस पर काम चल रहा है। आपने देहरादून में तमाम स्ट्रीट लाइटें, पहले सेंट्रल वेल्ज पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, आज पूरे शहर के को हमने सेंट्रल वेल्ज पोल की स्ट्रीट लाइट से आच्छादित कर दिया है, और उस पर भी हम LED बनाने आ गए हैं, वो भी काम हम कर रहे हैं। देहरादून के तमाम चौराहा जो आज आपको चौड़े दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो सब्जी मंडी चौक हो, चाहे कारगी चौक हो, चाहे आपका तहसील चौक हो, ये जो चौराहे हैं सारे, ये पहले नहीं हुआ करते थे, इनका चौड़ीकरण भी इसी बीच हुआ, आज फ्लाईओवर पे आप चलते हैं, ये भी इसी बीच का डेवलपमेंट है। तो बहुत सारे काम, पूरे देहरादून में जब मैं आया था तो मात्र 20% सीवर की कनेक्टिविटी थी, आज 80% तक हम सीवर कनेक्टिविटी ले गए हैं, पूरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस समय देहरादून में अमृत योजना में पड़ रहा है, ये सारे काम आज घंटाघर का जीर्णोद्धार हो रहा है, गांधी पार्क में निर्माण चल रहा है, तमाम पार्क मैंने इस बीच में बनाया है, तो ये सारे काम अगर हुए हैं तो ये इसी 9.5-10 साल के अंदर हुए हैं, और आगे के लिए भी जो एक बैकग्राउंड जो आप कैसे फाउंडेशन लेवल तैयार होना है वो हम बेस लाइन तैयार कर चुके हैं, उस पर ही आगे बढ़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि तमाम हाउस टैक्स के अभी तक हाउस नंबर अलॉट नहीं हो पाए हैं, देहरादून अपने आप में बड़ा शहर है, स्टाफ की स्कैरसिटी है, जब नगर पालिका हुआ करती 98 में उस समय लगभग 625 सामान्य कर्मचारी होते थे, जो संख्या आज आकर 3 सफर सिमट गई है, क्षेत्र बढ़ गया है, तो काफी दिक्कतें हमको आ रही हैं, और बहुत लंबे समय तक क्षेत्रों में हाउस टैक्स नहीं लगा था, अब 2014 के बाद हम नहीं लगा पाए हैं, तो ये सारा प्रोसेस में चल रहा है, तो दिक्कतें लगभग हो रही है, लेकिन आने वाले समय में अभी वो और ठीक होने की स्थिति में, और मैंने निर्देश किए हैं कि इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि मन पावर कम है, तो एक बार ये हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। राज्य में डबल इंजन की सरकार है, अब आप मेयर हैं, कुछ दिन में आप इस्तीफा दे के अपना विधायक का काम देखेंगे और मंत्री भी बनेंगे तो मंत्री का काम देखेंगे, जब आप इस्तीफा देंगे तो आपके मन में कौन सी चीज रह जाएगी, कौन सी ऐसा काम आपने सोचा जो कर नहीं सके, और आप ये सोच के जाएंगे कि ये आपका जो उत्तराधिकारी होगा करेगा? देखिए, मैं एक काम करना चाहता हूँ, कल भी मैंने मंत्री से बातचीत की, एक तो नगर निगम के एक्ट को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारों की दखल बहुत ज्यादा निगमों में रहती है, जिसके कारण आप जो ऑटोनॉमी हमको मिलनी चाहिए थी उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तो एक तो एक्ट में संशोधन होना चाहिए, या अपना नया एक्ट आना चाहिए, उसके लिए मैंने माननीय मंत्री से बात की, अगर मेरे जाने से पहले वो आ जाता तो मैं समझूंगा कि मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि हम जो भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं वो ताकत हमको एक्ट से मिलती है, तो एक्ट का ठीक होना, आगे की व्यवस्थाएं ठीक होने के लिए बहुत जरूरी है, मेयर को एम्पावर्ड करना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी, ताकि अधिकारियों से काम ले सके, जो मूलभूत चीज है, जो बेस लाइन है इसकी, वो करने की आवश्यकता है। बाकी मैंने जितना भी संसाधन रहे और जो परिस्थितियां थी
उसके अंदर काफी काम किया है और आगे भी उस पर, क्योंकि मैंने बताया मैंने बेसलाइन तैयार किए, आगे भी उस पर काम होगा तो मुझे एक संतोष रहेगा कि मैंने 10 साल पूरे तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ और जनता के प्रति समर्पण भाव से काम किया है। तो अप्रैल में नए बोर्ड के लिए चुनाव होंगे, उसके पहले आपके विधानसभा के सत्र होने हैं, सरकार आपकी है, आप मेंबर असेंबली भी हैं, तो क्या आप कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं? हाँ, निश्चित बात हो रही है मेरी और बहुत जल्दी कमेटी गठित हम सरकार स्तर पर कर रहे हैं जो तमाम एक्टों का अध्ययन करेगी। मैंने किया भी है, मेरी भी संभवतः उसमें भूमिका रह सकती है, मैं सुझाव तो दूंगा ही और नया एक्ट हम लेकर आएंगे। मुझे विश्वास है कि चुनाव से पहले पहले हम नया एक्ट लेकर आ जाएंगे। देहरादून नगर निगम 1999 में बनाए, 97 उसके बाद लगातार आप मेयर हैं। उस दौरान 1999 से 18 साल का ये जो दौर है, देहरादून का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं बढ़ी। नगर निगम में जो कर्मचारियों की संख्या, जैसा कभी आपने बताया कि 625 थी, अब 300 पे सिमट गई है, इसका मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी वहां पे एक खाई है। ये सब चीजें इस शहर के जीवन स्तर को प्रभावित कर रही हैं, इसको दूर करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि इसका दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और क्योंकि सीमा विस्तार हो गया, 72 गांव और जुड़ गए हैं, तो शहर के काफी बड़ा हिस्सा आयुर्वेदन क्षेत्र है, तो इसको जोनिंग सिस्टम इस पर लागू हो और जोन वाइज इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो जोन वाइज बने। एक तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो उस पर एक तो मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा, जो हमारी कुछ योजना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हमारी योजना है, इसको क्लस्टर बेस करने की आवश्यकता है, जो आसपास के छोटे मोटे शहर इसमें मिला के और इसका कूड़े का निस्तारण उसके माध्यम से करने की जरूरत है। साथ ही जो मंदी बस्ती क्षेत्र है इनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इनको ठीक करने की जरूरत है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है। तो काफी काम है जो भी करना बाकी है। अभी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे शहर में पड़ रहा है, सीवर का बहुत सारा काम अभी बाकी बचता है, उस काम के लिए हमको धन की आवश्यकता होगी। लगभग 12-14 ऐसे जिनका विस्तारीकरण होना है जो मैंने गवर्नमेंट को सबमिट कर रखा है, वो उस पर भी काम होना है। अमित योजना ऑलरेडी चल रही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम इस समय सामने आने वाला है, देहरादून स्मार्ट सिटी में चयनित हुई है, ये कह सकते हैं कि बड़ा उपलब्धि कह सकते हैं। उसके पीछे काफी मैंने जिद्दोजहद भी झेली है और वो हुआ है। देहरादून एक ऐसा शहर है जिसमें अमृत योजना भी चालू है और स्मार्ट सिटी में भी आया है, तो ये अपने बड़ी बात है जो हम कर पाए हैं। अब स्मार्ट सिटी में देहरादून का स्वरूप कैसा हो और स्मार्ट सिटी के दायरे का विस्तार हो, ये एक बड़ा काम है जो आने वाले समय में आने वाले जो मेयर होगा उसको इस काम को देखना होगा और साथ ही साथ सरकार को भी सहयोग लेकर, अधिकारियों को सहयोग लो, उस काम को आगे बढ़ाना, वो एक बड़ा टास्क है स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून को खड़ा करना। तो वो एक आगे का की योजना रहेगी और कहीं ना कहीं हमको एनडीडीए को भी थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, आवासीय योजना हमको अधिक से अधिक लानी पड़ेंगी, क्योंकि देहरादून में लोगों का आना बहुत तेजी से चल रहा है, जो पलायन हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। देहरादून में बेहतर जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। देहरादून में किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल मिलता है, इसके लिए भी लोग देहरादून को पसंद करते हैं। देहरादून की आबोहवा बहुत अच्छी है, तो इसलिए भी लोग देहरादून को पसंद करते हैं। ये सब कारण है कि जो लोग देहरादून के प्रति आकर्षित होते हैं और यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके कारण अगर 2 कदम आगे चलते हैं तो पॉपुलेशन 4 कदम आगे चली जाती है। तो इसलिए जो अवस्थात्मक सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ती है, उसमें लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो ये एनडीडी को भी थोड़ा अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा और अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से अमल में लाना पड़ेगा, ताकि जो प्रॉब्लम है अवस्थापनाओं की, इसका समाधान समय से किया जा सके। उससे कहीं अधिक गवर्नमेंट एनफोर्समेंट है, जगह जगह पुलिस के बूथ बने हुए हैं और भी कई तरह के गवर्नमेंट एनफोर्समेंट के मामले हैं, लेकिन वहां आपका बुलडोजर कभी नहीं चला है। देखिए, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, आपको ध्यान में होगा पिछले टेन्योर में होल्डिंग का बहुत बड़ा विवाद चला था और ये विवाद इसीलिए हुआ था कि मुख्यमंत्री के होल्डिंग तक मुझे हटाने पड़े थे और बहुत बड़ा विवाद चला और एक पॉलिसी मैं लेके आया और यहां तक कि मेरी पॉलिसी को 0 घोषित कर दिया गया। फिर मैं हाईकोर्ट गया और जैसे तैसे मैंने देहरादून नगर निगम में उस पॉलिसी को लागू करवाया
और बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने वही पॉलिसी अडॉप्ट की और पूरे प्रदेश में लागू हुई। आज उत्तराखंड एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी होल्डिंग पॉलिसी में छतों पर होल्डिंग बैन है या छतों पर होल्डिंग नहीं कर सकते, वो लागू है। तो उन्होंने किया है, तमाम चौराहे मैंने खाली कराया है। लेकिन कठिनाई कहां होती है कि जब सरकार के होल्डिंग, जो नेतागण है उनके होल्डिंग, जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनके होल्डिंग, जब ये इलीगल तरीके से लगते हैं तो उनको हटाने में कर्मचारी अधिकारियों को बहुत दिक्कत आती है। मेरा ये कहना है कि सरकार जो पॉलिसी स्वयं बना रही है, जिसका कानून स्वयं बना रही है, खुद ही उसको तोड़ रही है। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि इसमें मुख्यमंत्री जी का रोल आ जाता है, विभागीय मंत्रियों का रोल आ जाता है कि जैसे पॉलिसी हमने देहरादून में होल्डिंग पॉलिसी हमने लागू की है, अब मेरे नगर आयुक्त को मैं कहूँ कि आप मुख्यमंत्री को होल्डिंग हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, तो उसको बेजार सोचना पड़ेगा। हर किसी के बस का नहीं होता है, क्योंकि उस समय में जब मैंने मुख्यमंत्री को होल्डिंग हटाए तो 24 घंटे के अंदर मेरे नगर आयुक्त हटा दिया गया, मैंने जेला है, फिर मुझे लगातार एक बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा। तो उन चीजों को देखते हुए अधिकारी डरते हैं। ये तो बाकायदा शहर में मुख्यमंत्री भी निकलते हैं, शहर में मंत्री भी निकलते हैं, इनको भी दिखना चाहिए क्या हो रहा है। इनको स्वयं में आदेश करने के लिए सरकार गोल्डन गलत क्यों लग रहा है, जो पॉलिसी है सभी उन चीजों पर गंभीर होती है कि जहां सरकार के कारण इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, पहले सरकार उनको ठीक करे ना। अब तो आप और उसके बाद नहीं, देखिए सरकार देखिए मेरी पार्टी सरकार में है, मैं उस विधानमंडल दल का हिस्सा हूं, लेकिन सरकार का संचालन जिस कलम से होता है वही कलम सरकार होती है। मेरा बड़ा अनुभव है ये। मैं भले कितना दावा ठोक लूं कि मेरी सरकार में एक शराब ठेके को विरोध करने में बैठ गया और उसके बाद ठेका वही खुल गया, तो खुला तो मेरी सरकार में ना, तो मैं तो नहीं तय करने वाला। जो तय करने वाले लोग हैं वो उनको भी ये महसूस करना चाहिए कि मेरी भी सरकार है और वो उस हिसाब से काम करें तब मेरी सरकार बनती है। मेरी सरकार मेरे दल की सरकार है, मैं दल के प्रति कमिटेड हूँ, सरकार के प्रति कमिटेड हूँ, लेकिन सरकार जो चला रहा है जिम्मेदारी उसकी बनती है। देखिए जमाना व्यवहारिक राजनीति का है, लेकिन विनोद चमोली एक प्रतिमान है सैद्धांतिक राजनीति की। पिछले 10 सालों से मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने आपको अपनी सरकारों के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सड़क पर उतरते हुए देखा है, होर्डिंग के मामले में देखा और अभी शराब के मामले में आपने इस प्रचंड बहुमत की सरकार जिसका आप हिस्सा है उसके खिलाफ आप उतरे, तो ऐसी राजनीति का वर्तमान समय में ऐसी राजनीति कितनी प्रासंगिक आप मानते हैं? देखिए बड़ी कठिनाई है, हमको बहुत सारी दिक्कतें भी आई है। मैं अगर अपना पॉलिटिकल लाइफ का अगर एनालिसिस करूं तो शायद मेरे इसी व्यवहार आचरण के कारण मेरी ग्रोथ भी कम हुई है। जो पॉलिटिकल ग्रोथ मेरी हो सकती थी वो कम रही है, लेकिन मुझे संतोष इस बात का कि मैं अपने काम के साथ न्याय करता हूं। मैं राजनीति में हो सकता चरम पर ना जा पाऊं, लेकिन जितनी भी मैंने राजनीति की है सिद्धांतों की है, ईमानदारी की है, अपने काम के प्रति मैं समर्पित रहा, अपने दल के प्रति मैं समर्पित रहा, इसका मुझे संतोष रहेगा। और कहते ना कि सबसे बड़ा तो संतोष ही होता है। आप किसी पद पर चले आपको संतोष नहीं है तो क्या आपके पास, लेकिन अगर मुझे यहां रहते हुए भी संतोष मिला तो मैं उसका आनंद भी लेता हूं। अभी राजधानी के डालनवाला थाना क्षेत्र में एक मामला हुआ, बहुत चर्चा में रहा, निगम की जमीन को किसी ने कब्जाया जैसा कि निगम का दावा था, जबकि दूसरे पक्ष का दावा था कि हम इसके वास्तविक हकदार हैं और कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला है। उसमें आरोप ये लगा निगम पे कि इन्होंने कोर्ट में जम के पैरोकारी नहीं की, जो लीगली अपना पक्ष रखना था वो रखा नहीं, और जब कोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला दे दिया तो इन्होंने कोर्ट का अपमान किया। तो इतनी अधिक सक्रियता क्यों रही और उस पर आप क्या? देखिए ऐसा है, कुछ गलतियां यहां विभाग से हुई है, ये मामला मेरी जानकारी में नहीं आया, पहले कोर्ट से या कोई सब नोटिस आए होंगे, उन नोटिसों को जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, नीचे के अधिकारियों ने और जो लॉ सेल उसने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया। मेरे संदर्भ में मामला तब आया जब वहां पर मौके पर कब्जा हुआ, क्योंकि नीचे प्रशासनिक कार्य होते हैं। अब हर कार्य में मैं इन्वॉल्व नहीं होता, प्रशासनिक कार्य नगर आयुक्त देखते हैं, मेरे पास तो पॉलिसी मेकिंग और जो ऐसे काम रूटीन के कामों में देखता हूँ, कई बार जो मेरे संज्ञान में आता है फिर उस पर मैं संज्ञान लेता हूँ, फिर मैं रिएक्ट करता हूँ जो मुझे करना होता है। तो मेरी जानकारी में यह मामला तब आया जिस दिन मैं गैरसैंण सत्र में था, दूसरे दिन जब सत्र समाप्त हुआ उसके बाद मुझे जानकारी मिली यहाँ पर इस तरह से जमीन कब्जा हो गई। उस जमीन के बारे में आश्वस्त हूँ कि नगर निगम की जमीन है, इसलिए आश्वस्त हूँ मैं कि 1904 में वो जमीन हमको नजीम के माध्यम से हमको सौंपी गई थी 1904 में। उसके बाद 1923 में उस जमीन की बाकायदा लीज हुई थी 90 ईयर्स की, जो लीज 2013 में समाप्त हो गई थी, जिस पार्टी के नाम लीज हुई, जिस कंपनी के नाम लीज हुई थी, मित्तल करके कोई है,
तो वो कंपनी उसके रिन्यूअल कराने मेरे पास आई थी, मैंने मना कर दिया था क्योंकि खाली पड़ी जमीन थी। मुझे लगा कि गोरखपुर में आने वाले नगर निगम के काम आएगी, गोरखपुर की जनता के काम आएगी, मैंने उसको लीज रिन्यूअल नहीं किया। तो 2013 के बाद जमीन नगर निगम की हो गई थी। अब क्योंकि मैं उसकी हिस्ट्री से वाकिफ था, उस जमीन के बारे में आज भी कन्फर्म हूँ कि नगर निगम की जमीन है, इसलिए मैं उस पर लड़ने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं 6 बजे गैरसैन से चला और 6 घंटे के अंदर 12 बजे तक मैं उस जगह पर पहुंच गया था और वहां इंक्रोचमेंट तब तक हट चुका था। उसके बाद जो दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन, वो अपने आप में चौंकाने वाला था कि पुलिस की सरपरस्ती में वहां पर दीवार बना दी गई। अरे कोर्ट का तो स्टेटस को का आदेश था ना, वहां दीवार पहले भी नहीं थी। जो कब्जा किया गया जिस दिन मैं गैरसैन था, उस दिन जो कब्जा हुआ था वो स्टेटस को नहीं था। स्टेटस को के आदेश थे, स्टेटस को में वहां कुछ नहीं था, खाली था, खाली होती न्यायालय में लड़ाई लड़ते। इन्होंने उस समय जो दूसरी पार्टी हुई आनंद भारण में उसको दीवारें खड़ी कर दी, हमको तोड़ना पड़ा। फिर दूसरे दिन 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पर फिर से दीवार खड़ी कर दी 200 आदमी लगा के, और पुलिस की मौजूदगी में लगा दी गई। जब हमारे लोग थाने गए, थाने से कॉपरेशन नहीं मिला, जब आप दीवार गिराने गए तो एसओ, अब आप कल्पना करिए कि क्या यहां हो रहा है। एक एसओ नगर आयुक्त को कहना, तुम्हें उठाकर बंद कर दूंगा, अच्छा मैंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख लिया। एसएचओ बोल रहा है इस अधिकारी को, फिर मुझे मौके पर जाना पड़ा और स्थिति ये बनी, मैं 1:30 बजे रात तक वहां बैठा रहा। जब तय हुआ कि ठीक है हम इसको न्यायालय में चुनौती दे दें, जब एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हमको नहीं मिला, फिर मैं न्यायालय में वकीलों का पैनल खड़ा किया, उस पैनल ने अपनी बात रखी और उसके बाद उनका वो आदेश स्टे हुआ और मैंने वहां पर निर्माण कार्य कराया। अच्छा, इस तरह के नगर निगम की संपत्तियां और कितनी संपत्तियां जिनको इस तरह का अवैध कब्जे में कोई डाटा ऐसा है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, 20-22 संपत्ति जिनके कब्जे की बात आती है, लेकिन हमने काफी कब्जे छोड़ा है। हमने पैसिफिक में कब्जे छोड़ा है, हमने यहाँ कब्जा छोड़ा है, हमने आपके साई मंदिर का कब्जा छोड़ा, वो जमीन आज हमारे कब्जे में है। ऐसे हमने विजय पार्क का कब्जा छोड़ा है, बहुत सारी जमीन में छोड़ा चुका हूँ। ऑलमोस्ट जो भी जमीन अब लोगों के कब्जे में तो लिटिगेशन में है, वैसी जमीनों में लगभग लगभग काफी हद तक छोड़ा चुका हूँ। बस्तियों की बात मैं कह नहीं सकता हूँ, बस्तियों का मसला थोड़ा दूसरा रहता है, उनमें सरकार इन्वॉल्व होती है। आपकी सरकार को और आपकी सरकार की कानून व्यवस्था को और आपकी सरकार की पुलिस को, तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उस पर जिसको जवाब देना हो जाएगा, मैं अपनी भूमिका के बारे में जानता हूँ। मैं अपनी भूमिका के बारे में जानता हूँ। मैं निगम के मेयर होने के नाते मैंने अपनी जवाबदेही निभाई है और पूरी ईमानदारी के साथ निभाई है, बहुत दमदारी के साथ निभाई है। चैनल के माध्यम से सरकार को आप संदेश तो दीजिए, मुझे जहाँ जो कहना मैं कह चुका हूँ। आगामी अप्रैल में चुनाव होने हैं नए बोर्ड के, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, तो आप कितने उम्मीद रखते हैं, कितने की आपके दोबारा बोर्ड में आपके ही सरकार? भारी बहुमत के साथ नगर निगम में बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं, भारी बहुमत के साथ। और पूरे देश का वातावरण आपने देखा है, लगातार चुनाव परिणाम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो निकाय में स्थित रही निगमों में हमने बहुत अच्छा वहां पर प्रदर्शन किया, उससे बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड में रहने वाला है, तो हम आश्वस्त हैं। उसमें कहीं कोई हमको कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का निकाय में रहेगा। क्या आपका उत्तराधिकारी दूसरा विनोद चमोली होगा? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी होगा वो भाजपा का होगा, कमल का फूल होगा, और निश्चित तौर पर उसको मजबूत बनाने का काम हमारा है। हम सब मिलकर नगर निगम को बेहतर चलाएंगे और अपने मेयर को मजबूत करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, संगठन में बहुत सारे दायित्वों को आपने निभाया, मेरे पास बायोडाटा है, इसलिए सवाल पूछूंगा गुजरात के विधानसभा चुनावों से संबंधित। 95 के बाद पहली बार गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों की चुनती है, लगातार उसकी सीटें कम होती गई। देखिए, आप इसे निरंतर टूट रहा है। एक और आप थोड़ा सा दूसरा एंगल इसका देखें, लगातार 22 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। एक बार की सरकार में उनकी इनकम्बेंसी लागू हो जाती है और वो कहां से कहां तक पहुंच जाती है। 22 साल तक लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और वहां पर लगातार चुनाव जीत रही है। इसके ये सकारात्मक पहलू को भी आपको देखना पड़ेगा कि 22 साल से हम लगातार वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। सीटों का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां भाजपा सरकार 22 साल से काबिज, जब मैं आपने छोटी बात नहीं। चंदोली जी, सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि गुजरात मोदी के और अमित शाह के राजसू यज्ञ का मॉडल स्टेट है और वहां पे पार्टी का इस तरह का हाल होना
निश्चित रूप से आत्मचिंतन के लिए बात करता है। पार्टी का कोई खराब हाल नहीं हुआ, मैंने आपको कहा ना कि स्थानीय स्तर पर बहुत सारे 22 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है, 22 साल में 18 साल का वोटर होगा, एक नई पीढ़ी आकर खड़ी हो गई है। और अगर एक पीढ़ी तक भारतीय जनता पार्टी ने वो वहां पर दबदबा कायम रखा हुआ है तो अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है, मतलब आप संतुष्ट हैं। हाँ, निश्चित तौर पर। अभी कुछ गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, उसका बहुत गांव वालों ने विरोध किया। उनका कहना था कि नगर निगम पहले अभी जितना उसका विस्तार है उसमें अपनी मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित कर ले, उसका अरेंजमेंट कर ले, उसके बाद हमें बढ़ाए। उनका तो आक्षेप भी है सरकार पर भी और निगम पर भी कि निगम का विस्तार ही इसलिए किया जा रहा है जिससे कृषि भूमि का व्यवसायीकरण कर दिया जाए और एक तरह का करप्शन हो भूमि क्रय विक्रय में। ऐसा नहीं है। देखिए, ये विरोध जनता का विरोध कभी भी नहीं रहा। अगर जनता का विरोध होता तो शायद हम ही आगे नहीं बढ़ते। ये विरोध राजनीतिक विरोध था, कुछ जनप्रतिनिधियों का विरोध हो सकता है जो प्रधान थे, बीडीसी मेंबर थे, जिला पंचायत सदस्य थे, जिनकी संभावनाएं आगे की राजनीति की बनी हुई ग्राम सभा के स्तर पर। और जहां तक कृषि भूमि का सवाल रहा तो अधिकांश क्षेत्र तो कॉलोनाइजेशन हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है, और शहर में भी कोई खेती करना चाहे तो कौन रोक लेगा? तो इसका कोई नगर निगम की सीमा में आने से कोई उसके प्रभाव पड़ा ऐसा मुझे नहीं लगता है, वो अपना करे जो करना। विनोद चमोली बहुत चर्चित मेयर होते हैं, जो आपने पूरा निस्तारण का एक स्थल अभी विकसित किया है, वह बिल्कुल एजुकेशन हब के बीचों बीच है। उसके एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ महाविद्यालय है और तीसरी तरफ मेन हाईवे है, उसको लेकर के आपके बहुत सारे आरोप लगे। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई मैंने उसमें लड़ी है और आपके सवालों का जवाब इससे मिल जाता है कि इन सारे सवालों का संज्ञान एनजीटी ने भी लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया और उसके बाद भी उन्होंने मुझे अनुमति दी है। तो आप समझ सकते हैं, इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद उसके बाद अगर अनुमति दी गई है तो मैं समझता हूं कि समाधान हो जाना चाहिए उन सवालों का। देहरादून को स्मार्ट सिटी कब तक मिल जाएगी? प्रक्रिया चल रही है और हमारा टारगेट है कि 2019 तक हम कुछ न कुछ देहरादून में एक स्मार्ट सिटी की बेस लाइन खड़ी कर दें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मैं फिर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद चमोली, जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उत्तराखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के सदस्य होने के नाते उन्होंने उत्तराखंड का जो स्वरूप अपने सपने में सोचा था वो अभी नहीं बना है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि हमारी सरकार है आने वाले समय में उत्तराखंड उस स्वरूप को प्राप्त करेगा जिसको लेकर के राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगले सप्ताह मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए साधना प्लस।